गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर्स जो है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। तो ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि आपने देखा होगा निर्भया केस में बार बार जो दोषी थे निर्भया के, उन्होंने जो दया याचिका लगा के, मर्सी प्लीज लगा के, बार बार अपनी फांसी की सजा को रोका और फाइनली जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी दया याचिका को और उनको फांसी हुई। तो जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो एक्चुअली आती हैं आर्टिकल 72 के अंडर। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट हैं वो ग्रांट कर सकते हैं किसी पर्सन को पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूट कर सकते हैं किसी की सेंटेंस को। तो ये पांच प्रकार की जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, उसमें पहली पावर है पार्डन। इसमें किसी पर्सन को कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाता है, उसकी सारी जो भी सेंटेंसेस होती हैं, चाहे डेथ सेंटेंस हो या इम्प्रिजनमेंट हो, उससे कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाता है और वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो कम्यूटेशन के केस में करेक्टर चेंज कर दिया जाता है जो पनिशमेंट है उसका, और लेस सीवियर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है पनिशमेंट। तो जैसे कि डेथ पेनालिटी को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है कई केसेस में, तो उसे कम्यूटेशन कहा जाता है। रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन डेथ सेंटेंस का, ये भी किया जाता है उन केसेस में जिसमें लगे कि सही से जो है वर्डिक्ट जो है वो सही नहीं आई है, तो उन केसेस में रिप्राइव दिया जाता है ताकि जो कल्प्रिट है वो अपने केस को फिर से मतलब रख सके, अपने पक्ष को रख सके। तो जो रिस्पाइट होती है उसका मतलब होता है कि स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर, जैसे कि प्रेगनेंसी या मेंटल कंडीशन हो गई किसी की, तो उसके बेसिस के ऊपर लेसर पनिशमेंट जो है वो देनी, उसे रिस्पाइट कहा जाता है। एंड रिमिशन का मतलब होता है रिड्यूस करना सेंटेंस को बिना उसके करेक्टर को चेंज किए हुए। जैसे इस केस में क्या होता है कि जो प्रेजिडेंट है वो लेस पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि पहले अगर कोर्ट ने 20 इयर्स की पनिशमेंट दी है तो अगर उसको कन्वर्ट करके 10 इयर्स की पनिशमेंट कर दी जाती है तो उसे हम रिमिशन कहते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है इस पावर को जब ये सजा जो है कोर्ट मार्शल के द्वारा दी जाए, या किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट अपराध किया हो अपराधी ने जो कि हमारी इंडिया की जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर आता हो, जान किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी जा रही हो, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है अपनी ये जो पावर्स हैं पार्डनिंग पावर्स। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उनकी ये जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, और प्रेसिडेंट इनको एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही, वो खुद नहीं कर सकते हैं इनको एक्सरसाइज। ही जो गवर्नर हैं उनकी पार्डनिंग पावर्स भी सेम ही होती हैं प्रेसिडेंट के जैसी ही, आर्टिकल 161 के अंडर आती हैं ये सारी पावर्स उनकी। उनकी पावर्स भी वही होती हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूट करने वाली। तो जो लेकिन एक डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं किसी की डेथ सेंटेंस को, बट गवर्नर के पास ये वाली पावर नहीं होती है कि वो किसी की डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकें, उनको सेट फ्री कर सकें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।